हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड पाठशाला। दोस्तों, क्यों ना आज हम लोग कुछ खाने का मज़ा लेते हैं। इनफैक्ट खाने का नहीं, कुछ हम लोग फूड शॉट का मज़ा लेते हैं, कुछ फूड दिखाने का मज़ा लेते हैं। सो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। फूड शॉट्स के ऊपर बेस्ड है आज का चैप्टर। एंड फॉर द लाइटिंग आई यूज 2 and 3 लाइट्स। सो लेट अस बिगिन आज का चैप्टर। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स बिगिन। दिस इज़ द बैकड्रॉप दैट आई एम गोइंग टू यूज़। अब ये जो बैकड्रॉप है ये मैंने खुद ही बनाया, एंड इसका चैप्टर भी है, लास्ट चैप्टर इसी का था। सो इफ़ यू हैव नॉट सीन इट, आप एक बार उसको देखिए एंड देन कम बैक टू दिस चैप्टर। और इसके ऊपर जब आप सेटअप करते हो तो मेक श्योर जो आप प्रॉप्स यूज़ कर रहे हो वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए। सेकेंडली, इट शुड गो वेल विद द प्रोडक्ट, द फूड दैट यू आर शूटिंग। ओके दोस्तों, जो लड्डू हैं मैं इसके ऊपर रखने जा रहा हूँ। ये जो चौलाई के लड्डू हैं, इसे रामदाना के लड्डू भी कहते हैं। लेट्स सेटअप द शॉट। आई थिंक ये सेटअप मुझे अच्छा लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसके साथ एक दो अलग से रख दूँगा। ये जो है बहुत ही बेसिक सेटअप अभी मैं कर रहा हूँ, एक बार शूट करके ना। अगर आप ये देख सकते हो, ये जो कट है ये यहाँ पर आ रहा है। सो आई मूव इट साइड में, सो दैट साइड में रहे वो और विजिबल ना हो शॉट पे। जो लड्डू सबसे अच्छा दिख रहा है, जिसमें ये कट्स क्रैक्स ना हो, उसको मैं आगे रखना चाह रहा हूँ। दिस लुक्स गुड आई थिंक। ठीक है, नाउ अब इसके आसपास हम लोग कुछ प्रॉप्स रखेंगे। दोस्तों, कैमरे में आप देख सकते हो कुछ इस तरह से अपना शॉट का सेटअप दिख रहा है। ये अभी कंप्लीट सेटअप नहीं है, मैं थोड़े प्रॉप्स ऐड करूँगा, कुछ चेंजेस करूँगा कंपोजिशन में। मोर और लेस ऐसा कुछ शूट चाह रहा हूँ मैं। पीछे के जो अपने लड्डू हैं वो कुछ इस तरह से आउट ऑफ फोकस होंगे। कैमरा जो है कैनन का 60 Mark II है। लेंस है टोकिना का 100mm f/2.8 मैक्रो लेंस। और लाइट्स के लिए मैं आई थिंक आई विल यूज़ 3 lights या 2 lights में भी, लेट्स सी। 3 शुड बी बेटर, 2 में भी हम लोग कर सकते हैं इसको। चलिए दोस्तों, इसका एक शॉट मैं ऑटो में लेके देखता हूँ कैसा आ रहा है। एंड लेट मी स्विच इट टू ऑटो मोड। नाउ दिस इज़ अ फुल ऑटो मोड। लेट मी फोकस इट, टैप टू फोकस एंड आई विल टेक ए शॉट। ओके, यू सी अभी क्या हो रहा है इसमें। शेडोज़ आप देख ही सकते हो, कितना ज़्यादा शेडोज़ आ रही हैं। ओके दोस्तों, इसके लिए फर्स्ट लाइट मैं लगाने जा रहा हूँ राइट नाउ, एज आई सेड बिफोर कि ये कंपोजिशन मेरा फाइनल नहीं है। बट लेट्स स्टार्ट लाइटिंग एंड एट द सेम टाइम हम लोग इसमें चेंजेस भी करते जाएंगे। सो जो फर्स्ट लाइट यूज़ करने जा रहा हूँ वो मैं इधर से यूज़ करने वाला हूँ, बिहाइंड द सब्जेक्ट। और दोस्तों, इस लाइट का जो मेन काम होगा वो होगा ये जो लड्डू है इसके हल्का सा इसको बैकग्राउंड से सेपरेशन के लिए यहाँ पे वो लाइट आएगा, इनमें भी इधर पे पीछे की तरफ आएगा वो लाइट। लेट्स डू दैट लाइटिंग। उसके लिए मैं एक सॉफ्ट बॉक्स यूज़ करने वाला हूँ एंड लेट्स सेट अप दैट लाइट एंड देन वील सी हाउ इट इज़ कमिंग आउट। दोस्तों, ये आप पहला लाइट देख सकते हो जो मैंने सेटअप कर दिया है। और जैसा कि मैंने कहा था पहले कि इसका जो काम होगा, इन लड्डूज़ के जो एज है उन एजेस को लाइट अप करना। तो चलिए एक शॉट लेके देखते हैं। दोस्तों, कैमरा अब भी ऑटो मोड में है एंड लेट्स सी। ओके, नाउ इट इज़ ऑफ कोर्स बेटर देन द लास्ट शॉट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मैनुअल शॉट। ओके, ये मैनुअल पे आ गया है। अपर्चर जो है मैं 6.3 यूज़ करने जा रहा हूँ और ISO 100 है, शटर स्पीड 1/125 है। एंड फोकस के लिए मैं मैनुअल फोकस करने जा रहा हूँ। अब जूम इन करके मैं फोकस एडजस्ट कर देता हूँ, ये ठीक लग रहा है मुझे फोकस। दोस्तों, सिंगल लाइट के हिसाब से जो हम लोगों ने पीछे से यूज़ किया है, जो अपनी एजेस लाइट अप होनी चाहिए वो बिल्कुल प्रॉपर इसने काम कर दिया है सिंगल लाइट ने। दोस्तों, लाइट बॉक्स का जो साइज़ है ये है 60x90। अब मैं इसके लिए दूसरी लाइट ऐड करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये अपना दूसरी लाइट आ गया है, ये कैमरे के लेफ्ट साइड पे है। एंड द साइज़ ऑफ दिस सॉफ्ट बॉक्स इज़ वंस अगेन 60x90। चलिए और एक शॉट लेके देखते हैं। अब लुक्स गुड। थोड़ा सा हम लोग लाइट कम कर सकते हैं, थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा है। दोस्तों, ये जो लाइट है, ये वाली लाइट, ये बिल्कुल लोवेस्ट पावर पे है, सो इससे कम नहीं हो सकता। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट ऑप्शन।
या तो हम लोग एपर्चर को इंक्रीज़ कर दें, मेक इट 6.3 से 7.1, और वी कैन मूव दिस लाइट थोड़ा सा पीछे सो दैट लाइट कम हो जाए, या फिर एक डिफ्यूज़र ऐड कर सकते हैं, उससे भी लाइट रिड्यूस हो जाएगा। सो इसको मैं पीछे ले जाता हूँ थोड़ा सा, एंड लेट्स सी क्या होता है उससे। दोस्तों लाइट मैंने थोड़ा सा पीछे कर दिया, एंड लेट्स टेक ए शॉट। दोस्तों अभी ये शॉट मुझे अच्छा लग रहा है, दो लाइट यूज़ की है एंड ओवरऑल इट लुक्स गुड। नाउ राइट नाउ जो शेडो आ रहा है थोड़ा ज़्यादा है, सो टू चेंज दैट एक तो हम लोग इस साइड पे लाइट लगा सकते हैं, इफ़ नॉट देन वी कैन यूज़ ए रिफ्लेक्टर ओवर हेयर। सो लेट्स डू दैट थिंग। अपन हम लोग इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग अनदर लाइट, एक हम लोग रिफ्लेक्टर यहाँ पे यूज़ करते हैं। फॉर द रिफ्लेक्टर मैं इसको यूज़ करने जा रहा हूँ, इतना क्लोज कर सकता हूँ कि मेरे ये कैमरे के फ्रेम में नहीं आना चाहिए, एंड दिस मच इज़ फाइन, लेट्स टेक ए शॉट। दोस्तों द लाइटिंग लुक्स रियली गुड नाउ। अब इसका जो सेटअप है, जो कॉम्पोजिशन है, उसको चेंज करते हैं सो दैट ओवरऑल जो शॉट है, जो लुक वाइज है, एस्थेटिक्स है, वो और भी बेटर लगे इससे। दोस्तों अगर आप शॉट में देखें, ये वाला जो एरिया है ये खाली लग रहा है, सो लेट्स डू कि एक लड्डू जो है मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। दोस्तों जब भी कुछ चीज़ आप अपना जो हीरो सब्जेक्ट है उसके आगे या आसपास रखें, मेक श्योर वो ज़्यादा स्पेस ना ले, सो दैट ये ज़्यादा हम लोगों को हाईलाइट नहीं करना, अपना मेन फोकस इज़ दिस थिंग, सो कीप इट इन ए वे दैट ये ओवर पावर ना करे अपने मेन सब्जेक्ट को। मैं ये एक कोस्टर यूज़ करने जा रहा हूँ समवेयर हेयर, इसके ऊपर भी एक लड्डू रख सकते हैं, एंड समथिंग लाइक ए बॉल जो पीछे हो कहीं यहाँ पे। माइनर एडजस्टमेंट्स टू ऑल ऑफ दिस। दोस्तों मैं ये कटिंग बोर्ड रखने जा रहा हूँ, बट दिस कटिंग बोर्ड मे बी वेरी डार्क, सो आई चेंज इट, लेट्स ट्राई दिस, और अगर अच्छा नहीं लग रहा देन आई चेंज इट टू ए लाइटर वन। दोस्तों ये जो मैंने कटिंग बोर्ड रखा है ये थोड़ा सा ग्लॉसी है ना, व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ ये वाली लाइट अपनी इस पर हिट करके स्ट्रेट ऑन कैमरे में वापस जा रही है, सो ये वाला जो एरिया है ये प्रॉपरली एक्सपोज नहीं हो रहा है, इनफैक्ट ये ओवर एक्सपोज हो रहा है, बहुत ज़्यादा वाइट हो रहा है। वी कैन डू वन थिंग, वी कैन ब्लॉक द लाइट और चेंज दिस टू ए मैट फिनिश सो दैट इतना ज़्यादा लाइट बाउंस बैक ना हो अपने इसमें। ओके दोस्तों टू ब्लॉक द लाइट मैं ये एक पेपर लगाने जा रहा हूँ, और इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, जस्ट इस लाइट पे ही मैं लगा देता हूँ ना। व्हाट इज़ हैपनिंग हियर इज़ कि ये वाला लाइट जो है इस एरिया में ब्लॉक हो जाएगा, बट दिस यूनिट दिस एरिया विल बी परफेक्टली जैसा पहले था वैसा ही रहेगा, सो इतना एरिया ही ब्लॉक हो रहा है। अगर आप इसको पास रख सकते हैं देन यू हैव टू रिड्यूस इट, और कैमरे में चेक कीजिए कि कितना एरिया ब्लॉक हो रहा है। ये वाला एरिया आई थिंक दिस शुड बी फाइन, एक शॉट लेके देखते हैं। दोस्तों आप शॉट में देख सकते हो ये जो कटिंग बोर्ड है इसका, अभी ये वाला एरिया लास्ट शॉट में कैसा था और लाइट ब्लॉक करते ही कैसा हो गया, इसमें आप डिटेल्स आ गए हैं, आप डिटेल्स देख सकते हो इसमें। नाउ दोस्तों ये वाला एरिया हल्का सा एम्प्टी लग रहा है, अपना शॉट अदरवाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है। और की पे छोटा सा पेपर कुछ इस टाइप का, एंड पुराना पेपर है, आई थिंक दिस शुड वर्क वेल। दोस्तों ये पेपर को कुछ इस तरह से रख सकते हैं हम लोग। ये जो अपना बैकग्राउंड जो अपना बेस है वो थोड़ा सा फ्लैट लग रहा है, सो ये जो है ये हल्का सा पेपर या कुछ भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो दैट अपना जो बैकग्राउंड इतना ज़्यादा अपीयर हो रहा है वो कम हो जाएगा। लुक्स फाइन आई थिंक। दोस्तों अब भी मुझे ये वाला जो एरिया है थोड़ा सा एम्प्टी लग रहा है, एंड मुझे ठीक नहीं लग रहा ये वाला एरिया बिकॉज द बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा विजिबल है, लेट्स डू समथिंग टू चेंज इट। दोस्तों उसके लिए मैं ये जो अपना बर्लैप टेक्सचर होता है, फैब्रिक होता है, उसको यूज़ करने जा रहा हूँ कुछ इस तरह से।
दोस्तों ये सब जो है इसका ये बेनिफिट होता है कि जो बेस है अपना बहुत ज़्यादा विजिबल ना हो और एक ब्रेक मिल जाए, हर जगह बेस ना दिख के बीच बीच में थोड़ा एक ब्रेक मिल जाए, देन इट अपेयर्स मोर इंटरेस्टिंग देन अ नॉर्मल शॉट जहाँ पे अपना बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा दिखता है। सो दोस्तों आई थिंक आई लाइक ओवरऑल द कंपोजिशन द शॉट। मुझे सिर्फ एक चीज़ ये वाला हल्का सा लग रहा है कि आउट ऑफ प्लेस है, इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, इसकी जगह कोई वुड का हल्का सा पीस या इसी कोस्टर का और एक कोस्टर रख सकते हैं जिसमें माइनर सा दिख रहा हो, हमें बहुत ज़्यादा इस एरिया को नहीं दिखाना है। दोस्तों आई लाइक द शॉट नाउ। अभी ऑलमोस्ट वी आर देयर, हम लोगों का शॉट पूरा हो चुका है। एक चीज़ और कर सकते हैं, हल्का सा जो शेडो है उसको हल्का सा रिड्यूस कर सकते हैं एक और रिफ्लेक्टर लगा के, बट अदरवाइज़ आई थिंक द शॉट लुक्स गुड। इसको मैं यूज़ करने जा रहा हूँ यहाँ पे, एंड आई मेक श्योर मेरे कैमरे में ना आ रहा हो ये, एंड आई टेक ए शॉट। दोस्तों अभी भी मुझे लग रहा है ये जो लाइट है हल्का सा ज़्यादा हो रहा है। मैं क्या करने जा रहा हूँ, फ्रॉम 6.32 एपर्चर आई एम मेकिंग इट 7.1 एंड देन विल टेक ए शॉट एंड सी। आई थिंक आई लाइक द ओवरऑल शॉट नाउ। व्हाट डू यू थिंक, आपको कैसा लग रहा है? दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं ये शॉट आपको कैसा लग रहा है। दोस्तों मैं कुछ माइनर चेंजेस करने जा रहा हूँ लाइट में। एक तो अगर आप देखो, बिकॉज़ ये जो प्रोडक्ट है इसकी शेप डिफरेंट है, सो दैट ये एरिया बहुत डार्क हो रहा है। नाउ आई एम गोइंग टू मूव ये वाला लाइट थोड़ा फ्रंट पे, सो दैट इस एरिया पे अपना लाइट आए। दिस इज़ द एरिया दैट इज़ गोइंग टू बी इन फोकस, सो लेट्स डू दैट। इसके ऊपर मैं लाइट डालता हूँ। सेकेंडली दिस साइड इज़ ऑल्सो गेटिंग डार्क, सो इस साइड के लिए आई थिंक दिस रिफ्लेक्टर इज़ नॉट मेकिंग मच डिफरेंस टू द शॉट। मे बी आई कैन चेंज द रिफ्लेक्टर पोजिशन टू समवेयर हेयर। एक बार लाइट सेट करते हैं, देन आई मूव दिस अराउंड और एल्स आई एड अनदर लाइट टू इट। दोस्तों ये मैंने लाइट लगा दिया, नाउ दिस लाइट विल बी हिटिंग दिस पार्ट ऑफ द फूट। एंड आप भी दोस्तों, मुझे शेडो थोड़ा सा डार्क लग रहा है, सो आई प्लेस दिस। दोस्तों अब मुझे लाइटिंग ठीक लग रहा है, अब थोड़े बहुत चेंजेस मैं कॉम्पोजिशन में कर देता हूँ, एल्स आई एम प्रेटी मच फाइन विद द शॉट। दिस इज इट आई थिंक, ऑलमोस्ट डन। सो दैट इज़ इट। आई होप ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा दोस्तों। और कुछ इस तरह से हम लोग फूड शॉट्स ले सकते हैं। एक लाइट, आप जब भी मैं फूड शूट करता हूँ आई मेक श्योर कि एक लाइट मेरा पीछे से आ रहा हो फूड के, दैट मेक्स एवरीथिंग लुक्स सो ब्राइट एंड सो डिलीशियस। और एक उसका ये भी फ़ायदा है कि जो अपना बैकग्राउंड है उससे फूड का जो है सेपरेशन हो जाता है, सो दैट इज़ वन थिंग आई लाइक अबाउट फूड फोटोग्राफी। पीछे से लाइटिंग एक तरह से एक विंडो लाइट का भी इफेक्ट देता है, एंड द सेकेंड लाइट यू कैन प्लेस एज पर योर रिक्वायरमेंट सेकेंड, एंड इन केस यू वॉन्ट अ थर्ड लाइट यू कैन डू इट एज पर योर प्रेफरेंसेस। सो दोस्तों फेसबुक पे मेरा एक पेज है फोटो पाठशाला नाम से, इंस्टाग्राम पे भी मैं फोटो पाठशाला नाम से ही हूँ, मेक श्योर आप इन दोनों जगह ज्वाइन करें मुझे। दोस्तों फेसबुक पे मैंने ग्रुप क्रिएट किया फोटो पाठशाला नाम से ही, इस ग्रुप में हम लोग बिहाइंड द सीन शेयर करेंगे, अपने इमेजेस शेयर करेंगे और आप भी अपने इमेजेस शेयर कर सकते हो। सो मेक श्योर बी टू बी ए पार्ट ऑफ दिस ग्रुप और आपस में हम लोग अपने नॉलेज इंक्रीज करेंगे। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, और दोस्तों अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।